श्रीवास्तव, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज इन 2019 बैच एंड करंटली आई एम वर्किंग एज BDA बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट इन बायजूस. सो बेसिकली आई एम हेयर टू डिस्कस यू ऑल अबाउट द योर फर्दर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन. सो सम ऑफ स्टूडेंट कॉल मी एंड आस्क मी, सर हमारा बेसिकली एग्रीडेशन नहीं कॉलेज का, तो हम क्या पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाएंगे? तो डेफिनेटली आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाएंगे, और चाहे MSc से हो चाहे ABM में करना हो, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. और दूसरी चीज़ ये है कि एग्रीडेशन नहीं है तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि एग्रीडेशन नहीं है तो हम लोग नहीं जा पाएंगे. नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है. आप उत्तर प्रदेश में कहीं अप्लाई करिए, राजस्थान में कहीं अप्लाई करिए, उत्तराखंड में कहीं अप्लाई करिए, जम्मू कश्मीर में, शेर कश्मीर में आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हिमाचल में अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ऑल दीज कॉलेज विच आर प्रेजेंट ओवर दीज स्टेट्स. यू कैन गो एंड यू कैन ईजिली अप्लाई. हमने भी बहुत ही ईजी वे में अप्लाई किया था, और हमने जहाँ चाहा है और जिसने जहाँ चाहा है, हमने नहीं, जिसने जहाँ चाहा है उसने वहाँ पर एडमिशन लिया है. मैं अपना ही एग्जाम्पल दे दूँ, मैंने शेट्स का एग्ज़ाम दिया था, UP कैटेट का एग्ज़ाम दिया था, और बुंदेलखंड का एग्ज़ाम दिया था, एंड आई एम एलिजिबल फॉर बोथ इन ऑल थ्री ऑफ द एग्जामिनेशन. एंड द थिंग इज़ कि आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है एग्रीडेशन का, आपको अपने पढ़ाई का टेंशन लेना है कि आपकी तैयारी कितनी है. अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो हाँ, आपका बेसिकली एडमिशन नहीं हो सकता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्कोर 351 रैंक इन UP कैटेट, बट आई वाज नॉट एलिजिबल टू टेक माय एडमिशन इन फ्री सीट. आई हैव टू गो फॉर पेड सीट एंड देयर आई हैव टू पे एक्स्ट्रा 75,000 फॉर पेड सीट. सो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बुक्स रीड करिए, नेम ना सुन रहा है उनका ध्यान है, गो थ्रू इट, learn it by heart, and definitely you are going to have a good future. And related to your jobs, तो jobs के लिए कब परेशान मत होइए, जो भी opportunity मिलती है उनको grab करते रहिए. And thank you, हो सकता है मेरी आपको ये बातें कहीं ना कहीं help करें. Thank you all, thank you so much.